Hi guys, this is Neha Sharma. Today we are going to discuss about common size statement of profit and loss. Guys, common size statement of profit and loss जो है वो किसका पार्ट है? वर्टिकल एनालिसिस का पार्ट है, ठीक है? और हम क्या पढ़ रहे हैं? कॉमन साइज स्टेटमेंट पढ़ रहे हैं. प्रीवियस सेशन में मैंने आपको बताया था कि कॉमन साइज स्टेटमेंट जो है वो टू टाइप्स का होता है. फर्स्ट इज कॉमन साइज बैलेंस शीट एंड सेकेंड वन इज कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस. तो प्रीवियस सेशन के अंदर हमने क्या बनाना सीखा था? कॉमन साइज बैलेंस शीट हम कैसे प्रिपेयर करते हैं वो हमने सीख लिया था. और आज हम सीखेंगे कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस हम कैसे बनाते हैं. तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि कॉमन साइज स्टेटमेंट जो है, चाहे वो कॉमन साइज बैलेंस शीट रहेगी या कॉमन साइज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट रहेगा, दोनों ही आपका वर्टिकल एनालिसिस का पार्ट है. किसका पार्ट है? वर्टिकल एनालिसिस का. तो आज हम क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे गाइस. क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो 8 के जैसा ही है, लेकिन 8 जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा टिपिकल है 7th क्वेश्चन के कंपैरेटिव. सो 8th क्वेश्चन मैं आपको करा दूंगी ताकि 7th क्वेश्चन आपका इजीली सॉल्व हो जाएगा. गाइस, जैसे हमने कॉमन साइज बैलेंस शीट बनाई थी प्रीवियस सेशन के अंदर, देखिए 6 कॉलम थे ना आपके, देखिए 6 कॉलम थे आपके, पर्टिकुलर्स, सेकंड कॉलम आपका था नोट नंबर, थर्ड वन इज जो थर्ड एंड फोर्थ जो कॉलम्स थे आपके वो एब्सोल्यूट अमाउंट के थे. ये 4 कॉलम्स तक की जो इन्फॉर्मेशन होती है वो आपको क्वेश्चन के अंदर ऑलरेडी गिवन होती है, ठीक है? आपको ओनली क्या निकालना पड़ता है? कॉमन साइज बैलेंस शीट के अकॉर्डिंग परसेंटेज ऑफ बैलेंस शीट टोटल आप निकालते थे. मतलब बैलेंस शीट टोटल कैसे निकालते थे? ये जो टोटल था लायबिलिटी का, अगर आप लायबिलिटी का निकाल रहे हो तो लायबिलिटी का टोटल आप बेस में लेते थे. अगर आप एसेट्स का टोटल निकाल रहे थे तो आप एसेट्स का टोटल बेस में लेते थे. सो इट्स मीन कॉलम वाइज जो एनालिसिस है हमारा, ये वर्टिकल एनालिसिस हो गया. तो ऐसे ही हम आज करेंगे क्वेश्चन नंबर 8. इसमें भी हमारे 6 कॉलम रहेंगे, ठीक है? जैसे कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं. देखिए, कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस जो है वो हमेशा ईयर एंड में बनाया जाता है, क्योंकि जो हमारा बिजनेस का अकाउंटिंग ईयर होता है कंपनी का वो 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक होता है, ठीक है? और ये हमारा वर्टिकल एनालिसिस होता है. वर्टिकल एनालिसिस हमारा क्यों होता है? क्योंकि हम इसमें कॉलम वाइज कैलकुलेशंस करते हैं, ठीक है? फर्स्ट कॉलम देखिए गाइस, पर्टिकुलर का क्वेश्चन के अंदर गिवन होगा. नोट नंबर मींस वर्किंग नोट, क्वेश्चन के रिगार्डिंग जो वर्किंग नोट है वो आपको गिवन होगा. एब्सोल्यूट अमाउंट, एब्सोल्यूट अमाउंट जो है वो प्रीवियस ईयर की भी आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन होती है. 8 क्वेश्चन के अंदर जो एब्सोल्यूट अमाउंट है वो आपके 2016 की गिवन है और 17 की गिवन है. इट्स मीन 16 जो है वो आपका प्रीवियस ईयर है एंड 17 जो है वो आपका करंट ईयर रहेगा. ये 4 कॉलम की इन्फॉर्मेशन आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन होगी, तो आप एज इट इज क्वेश्चन की डिटेल आप यहाँ पे नोट डाउन कर लेंगे. जो लास्ट के 2 कॉलम्स रहेंगे, ठीक है, लास्ट के टू कॉलम्स किसके ऊपर रहेंगे? परसेंटेज आपको निकालनी है, ठीक है? इस परसेंटेज को आप क्या कहेंगे? रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस. रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस को आप सेल्स के नाम से भी जानते हैं, जैसा कि मैंने आपको 11th क्लास के अंदर बताया था, ठीक है? क्योंकि किसी भी बिजनेस की जो प्रॉफिटेबिलिटी है, जो लाभदायकता है, वो किसके ऊपर डिपेंड करती है? सेल्स के ऊपर डिपेंड करती है. रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस के ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है? तो इसलिए बेसिकली हम क्या बना रहे हैं? कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बना रहे हैं. सो डेट्स वाई हमें बिजनेस की, कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी चेक करनी है. और जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो किसके बेसिस पे चेक हो पाएगी? सेल्स के बेसिस पे चेक हो पाएगी, ठीक है? तो हमें यहाँ पे जो कॉलम वाइज एनालिसिस करेंगे, बेस में किसको लेना है? रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस को लेना है. किसको लेना है? सेल्स को लेना है, ठीक है? तो बस आपको एक ही बात ध्यान रखनी है, जब आप कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हैं तो उस टाइम पे जो आप परसेंटेज निकालेंगे वो सेल्स के बेसिस पे कैलकुलेट होगी. लेकिन अपार्ट फ्रॉम कॉमन साइज बैलेंस शीट की अगर हम बात करें तो उसके अंदर हमारा क्या रहेगा? जो परसेंटेज निकलेगी वो किसका होगा? एसेट्स और लायबिलिटीज के टोटल के बेसिस पे निकलता है, जो कि हम प्रीवियस सेशन के अंदर कर चुके हैं. तो आज के सेशन में हम बात करेंगे कि कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस हम कैसे बनाते हैं, कौन कौन से कंडीशंस होते हैं, क्या सर्टेन सर्कमस्टांसेस होती हैं, ठीक है?
तो अब हम क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। देखिए गाइस, मैं आपको पहले क्वेश्चन समझा देती हूँ कि क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है, ताकि क्योंकि बिकॉज क्वेश्चन अगर आपको अच्छे समझ में आ जाएगा तो सॉल्यूशन करने में आपको हेल्प मिलेगी। ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो क्या है, फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ वाई एंड जेड लिमिटेड। आपके पास टू कंपनीज का डेटा है, कौन सी कंपनी का, वाई का, वाई लिमिटेड और जेड लिमिटेड का डेटा है। क्या दिया हुआ है, इनकी प्रॉफिट एंड लॉस की स्टेटमेंट दी हुई है कि इन कंपनी के, वाई और जेड जो कंपनी है, इनकी प्रॉफिट और लॉस की क्या सिचुएशन है। नेक्स्ट आपसे क्या पूछा गया, प्रिपेयर कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, आपको क्या बनाना है, कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस आपको बनाना है। वाई, मैं हिंदी में भी आपको रिपीट कर देती हूँ, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स को भी क्लियर हो जाएगा। वाई एम जेड लिमिटेड कंपनी के निम्नांकित लाभ हानि खातों से आपको क्या बनाना है, समानाकर लाभ हानि खाता बनाना है। ठीक है, तो समानाकर लाभ हानि खाता या कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने के लिए हम क्या करेंगे, ये क्वेश्चन की हमें डिटेल दी हुई है प्रॉफिट एंड लॉस की। ध्यान से देखिए गाइस, इनकम दिया हुआ है। जैसे आप कंपेरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाते थे, ठीक वैसे ही ये जो टर्म्स हैं उसमें भी गिवन थी, और एज इट इज आपकी कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में भी गिवन है। ठीक है, और कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस जो है वो आपका न्यू कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग कंसिडर किया गया है। किसके अकॉर्डिंग कंसिडर किया गया है, कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग। बिकॉज 11th क्लास के अंदर जो आपने बैलेंस शीट बनाई थी और जो फाइनल अकाउंट बनाए थे, मीन्स ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपने बनाया था, वो किसके ऊपर बेस्ड था, ओल्ड कंपनीज एक्ट 1956 पे बेस्ड था। लेकिन अब हमें यहाँ पे न्यू कंपनीज एक्ट 2013 को फॉलो करना है। पहले क्या रहेगी, इनकम को शो करेंगे। ठीक है, इनकम में आपका क्या आता है, बिजनेस की इनकम कैसे हो सकती है, कौन कौन से सोर्सेज हैं कि बिजनेस की इनकम हो सकती है। पहला है रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, मींस सेल्स। ठीक है, आप सेल्स करके इनकम जनरेट करेंगे कंपनी की। इसके अलावा, सेल्स के अलावा अदर कोई इनकम है तो वो आप ऐड कर देंगे, तो आपकी क्या आ जाएगी, टोटल इनकम आ जाएगी। टोटल इनकम मींस टोटल रिवेन्यू आ जाएगी। पहले आपने टोटल रिवेन्यू को नोट डाउन करना है, देन उसके बाद जितने भी बिजनेस के एक्सपेंसेस हैं उसको नोट डाउन करना है। एक्सपेंसेस मैंने सारे आपको एक्सप्लेन कर दिए थे कंपेरेटिव स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल के अंदर, लेकिन फिर भी मैं आपको दोबारा एक्सप्लेन कर देती हूँ। एक्सपेंसेस में देखिए, फर्स्ट आपका क्वेश्चन में दिया हुआ है परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। आप किसी भी माल को बनाने के लिए आपको रॉ मटेरियल चाहिए होता है, तो आप स्टॉक परचेज करते हो, मटेरियल परचेज करते हो, तो आपको एक्सपेंस पे करना पड़ता है। ठीक है, जब तक आपके पास पैसा नहीं होगा आप रॉ मटेरियल को भी परचेज नहीं कर पाएंगे। सेकेंड एक्सपेंस है आपका क्वेश्चन के अंदर, चेंज इन इन्वेंट्रीज ऑफ फिनिश्ड गुड, वर्क इन प्रोग्रेस एंड स्टॉक इन ट्रेड। ठीक है, सो इसका मतलब ये है कि जब भी आपकी कोई भी मैन्युफैक्चरिंग फर्म होती है, जैसे मैंने 11th क्लास में आपको जीन्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का एग्जांपल दिया था, तो जीन्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के अकॉर्डिंग मैंने आपको क्या बताया था कि आपकी मैन्युफैक्चरिंग फर्म है फॉर एग्जांपल। ठीक है, तो आपको जीन्स बनाने के लिए रॉ मटेरियल चाहिए। ठीक है, उस रॉ मटेरियल को फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट करने के लिए आपको किसकी जरूरत पड़ेगी, लेबर की जरूरत पड़ेगी, मशीनरीज की जरूरत पड़ेगी, प्लांट एंड मशीनरी की जरूरत पड़ेगी, और भी बहुत सारी जो भी एसेट्स हैं कंपनी की उसकी एसेट जरूरत पड़ेगी आपको। ठीक है, तो रॉ मटेरियल खरीदने से लेकर उसको फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट करने तक का जितने भी आपके खर्चे होते हैं, ठीक है, वो भी आपका एक्सपेंस के अंदर काउंट किया जाएगा। देन है इम्प्लॉयज बेनिफिट एक्सपेंसेस। इम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस का मतलब क्या है कि आपके बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी इम्प्लॉयज हैं जो काम करते हैं, ठीक है, आपके वर्क प्लेस पे अपना टाइम डिवोट करते हैं, तो उनके वेलफेयर के लिए जो आप सर्विसेज देते हो, उनके वेलफेयर के लिए, उनके बेनिफिट के लिए जो भी आप खर्चा करते हो, वो सारे भी किसके अंदर आ जाएंगे, एक्सपेंसेस के अंदर आ जाएंगे। और इनके अलावा अदर कोई खर्चा बच गया वो भी एक्सपेंसेस के अंदर आ जाएगा। ठीक है, फिर आप एक्सपेंसेस का टोटल कर देंगे, देन प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, अगर आप टोटल रेवेन्यू में से टोटल एक्सपेंसेस को माइनस कर देंगे तो आपका क्या आ जाएगा,
प्रॉफिट बिफोर टैक्स, मतलब टैक्स पे करने से पहले का प्रॉफिट आ जाएगा। अगर आपको नेट प्रॉफिट निकालना है तो नेट प्रॉफिट निकालने के लिए आप क्या करेंगे, ग्रॉस जो ओवरऑल प्रॉफिट होता है आपका, उसमें से इनकम टैक्स माइनस करोगे और आपका क्या निकल के आ जाएगा, नेट प्रॉफिट निकल के आ जाएगा। नेट प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। आप ध्यान से देखिए क्या दिया हुआ क्वेश्चन के अंदर, 2 ईयर्स का डेटा है, 31 मार्च 2016। गाइस बुक के अंदर मिस्टेक है तो आप भी इसको करेक्ट कर लीजिएगा, जो ये 2017 दिया हुआ है फर्स्ट कॉलम में इसको 16 कर लीजिएगा, ठीक है। ये वाई लिमिटेड का 16 का जो डेटा है वो वाई लिमिटेड कंपनी का है और 2017 का जो डेटा है वो किसका है, जेड लिमिटेड कंपनी का डेटा गिवन है, ठीक है। आप ध्यान से देखिए, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस मींस सेल्स जो है वो वाई लिमिटेड की 18 लाख है और जेड लिमिटेड की 17 के ईयर में 20 लाख की है। तो ये सारे डिटेल आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन है, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, नोट्स टू अकाउंट्स दिया हुआ है, इसका मतलब क्या है, वर्किंग नोट जो आपका सेकंड कॉलम होता है ना, नोट नंबर। अब ध्यान से देखिए, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस मतलब सेल्स के रिगार्डिंग, आपके सेल्स कितनी है 18 लाख की, जो वाई लिमिटेड है 2016 ईयर की उसकी जो सेल्स है, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस है, वो 18 लाख। अब 18 लाख जो है वो कैसे आई है, वो नोट्स टू अकाउंट्स के अंदर मेंशन किया हुआ है, ठीक है। देखिए वाई लिमिटेड की 18 लाख की नेट सेल कैसे आई है, वैसे तो आपकी सेल्स थी 18,20,000 रुपए की, लेकिन सेल्स रिटर्न था 20,000 का, ठीक है। तो आपकी नेट सेल कैसे निकालोगे, आप सेल्स में से सेल्स रिटर्न घटा देते हैं तो आपकी क्या आ जाती है, नेट सेल्स आ जाती है। ऐसे ही जेड लिमिटेड की है 2017 की, ठीक है, 20 लाख की सेल्स थी, वो कैसे आई, 20 लाख 30,000 में से हमने 30,000 माइनस कर दिए तो हमारी कितनी आ गई, 20 लाख की सेल्स आ गई, ठीक है। तो ये हमारा रहेगा नोट नंबर वन। तो आपको जो है क्वेश्चन के अंदर अब बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये माइनस किया हुआ अमाउंट है, ठीक है। तो ये आपको नोट्स के अंदर अलग से दिखाने की जरूरत नहीं है, सॉल्यूशन में आप एज इट इज 18 लाख को और 20 लाख को दिखाएंगे। अब उसके बाद है अदर एक्सपेंसेस, अदर एक्सपेंसेस कहाँ पे हैं, ये वाले एक्सपेंसेस, अदर एक्सपेंसेस जो 2016 के हैं वो है 2 लाख के और 2017 के आपके कितने हैं, 1 लाख के, ठीक है। अब देखिए ये कैसे आए हैं, आप ध्यान से देखिए, सॉरी अदर एक्सपेंसेस जो 2016 के 2 लाख और 17 के 1 लाख है। अब ध्यान से देखिए, ये जो 2 लाख का है, 2016 के जो अदर एक्सपेंसेस है वो 2 लाख कैसे आए हैं, ठीक है। इसमें से 1.5 लाख रुपए का मतलब 1,50,000 रुपए के एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस हैं, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस का मतलब होता है ऑफिस के अंदर जो आपका क्लरिकल स्टाफ काम करता है, ठीक है, उसको जो आप सैलरी पे करते हो उसके ऊपर जो खर्चा करते हो, डेट इज कॉल्ड एज एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, ठीक है। तो 1,50,000 आपका एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस आ गया और मिसलेनियस एक्सपेंसेस का मतलब क्या होता है, अदर खर्चे, ठीक है, जो भी हमारे अदर खर्चे होते हैं वो मिसलेनियस एक्सपेंसेस होते हैं, वो आपके कितने, 50,000 के। तो तब जाके आपका 2 लाख रुपीज ये आया है, ठीक है। ऐसे ही 1 लाख रुपए आपका 2017 में थे अदर एक्सपेंसेस, 1 लाख रुपए कैसे आए हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस के 80,000 और मिसलेनियस एक्सपेंसेस के 20,000, तब इनको जोड़ के तब 1 लाख आए नोट्स। अब आप क्वेश्चन के अंदर जो आपका नोट नंबर 2 है अदर एक्सपेंसेस से रिलेटेड वो आप शो करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये प्लस करके दिया हुआ है, जो टर्म्स प्लस करके दी हुई होती है उन्हीं को आप सॉल्यूशन के अंदर क्लियरली शो करते हो, और जो क्योंकि ये तो माइनस करके दी, माइनस की हुई चीज को आप कभी भी सॉल्यूशन के अंदर नहीं दिखाते, आप नेट अमाउंट को दिखाते हैं, ठीक है। तो अब हम सॉल्यूशन करते हैं। देखिए गाइस, क्वेश्चन के अंदर हमारे पास 4 कॉलम तक की इन्फॉर्मेशन थी, वो हमने यहाँ पे नोट डाउन कर लिया है। क्वेश्चन के अंदर जो हमारी अमाउंट गिवन होती है प्रीवियस ईयर की और करंट ईयर की, ठीक है, ये दोनों ही जो अमाउंट होती है वो एक्चुअल अमाउंट होती है, और एक्चुअल अमाउंट को ही हम एब्सोल्यूट अमाउंट बोलते हैं, ठीक है। तो ये एब्सोल्यूट अमाउंट का कॉलम है, ये सारे डिटेल मैंने यहाँ पे नोट डाउन कर ली है। ये देखिए रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस आपका नेट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मींस जो नेट सेल्स थी, सेल्स रिटर्न घटाने के बाद आपकी कितनी थी, 18 लाख, और 2017 की जो कि वाई लिमिटेड की है वो 20 लाख की थी, ठीक है। और अदर इनकम में 2016 की है 50,000 और 2017 की है 60,000, तो आपका कितना हो गया, 20 लाख 60,000 रुपीज,
ठीक है। ऐसे ही हमने एक्सपेंसेस को नोट डाउन कर लिया है और टोटल एक्सपेंसेस हमारे पास 2016 के आ गए हैं 16,50,000 रुपीज। और 2017 के जो आपके टोटल एक्सपेंसेस है वो कितने हैं 17,60,000 रुपीज, राइट। अब ध्यान से देखिए, प्रॉफिट बिफोर टैक्स हमें निकालना है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स आप कैसे निकालेंगे, टोटल इनकम में से आप अगर टोटल एक्सपेंसेस को माइनस कर देंगे तो आपका कितना आ जाएगा, प्रॉफिट आएगा। तो 18,50,000, अब हम ईयर वाइज कैलकुलेशन कर रहे हैं, ठीक है। 2016 का हम पहले निकालेंगे, 2016 की टोटल इनकम है 18,50,000 और टोटल एक्सपेंसेस कितने हैं 16,50,000 रुपीज। तो 18,50,000 में से 16,50,000 आप माइनस करोगे तो कितना आएगा, 2,00,000 आएगा। तो ये आपका प्रॉफिट हो जाएगा बिफोर टैक्स 2016 का। ऐसे ही 17 का निकालेंगे, टोटल इनकम में से टोटल एक्सपेंसेस को माइनस किया, 20,60,000 में से आपने 17,60,000 को माइनस करा तो कितना आया आपका प्रॉफिट, 3,00,000 रुपीज आया, ठीक है। इनकम टैक्स आपको क्या निकालना है, नेट प्रॉफिट निकालना है। नेट प्रॉफिट निकालने के लिए आपको प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से इनकम टैक्स माइनस करना पड़ेगा। टैक्स आपका देखिए 2016 का है 60,000 रुपीज और 17 का है आपका 90,000 रुपीज। तो प्रॉफिट में से अगर आपका आप टैक्स घटा देंगे तो आपका इंडिविजुअल ईयर वाइज क्या आ जाएगा, नेट प्रॉफिट आ जाएगा, या नेट प्रॉफिट को हम क्या बोलते हैं, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी बोलते हैं। तो 2016 का जो है वो एक्स लिमिटेड का प्रॉफिट कितना आया है, 1,40,000 रुपीज। और 2017 जो वाई लिमिटेड का है उसका नेट प्रॉफिट हमारा कितना आया है, 2,10,000 रुपीज। अब हम लास्ट के टू कॉलम्स पे आते हैं गाइस, ध्यान से देखिए। परसेंटेज निकालना है हमें, किसके बेसिस पे निकालना है हमें, सेल्स के बेसिस पे निकालना है। परसेंटेज जो है वो सेल्स के बेसिस पे कैलकुलेट की जाती है। अब परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला क्या है, ध्यान से देखिए। ये फॉर्मूला मैंने खुद कंस्ट्रक्ट किया है गाइस। प्रीवियस ईयर अमाउंट, अगर ध्यान से देखिए, अगर आप प्रीवियस ईयर का अमाउंट प्रीवियस ईयर का निकाल रहे हैं तो आप ऊपर लिखेंगे प्रीवियस ईयर अमाउंट, ठीक है। अगर आप करंट ईयर का निकाल रहे हैं तो आप ओनली करंट ईयर अमाउंट को ऊपर रखेंगे। डिवाइड में बेसिस पे, क्योंकि आपको परसेंटेज सेल्स के बेसिस पे निकालनी है, तो जो बेस में होती है उसको हमेशा डिवाइड में लेते हैं, ठीक है। तो रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस या सेल्स जो है वो हमेशा डिवाइड में आएगी। इनटू में 100 परसेंटेज निकाल रहे हो तो आप इनटू में 100 करेंगे तो आपका क्या निकल जाएगा, परसेंटेज किसके बेसिस पे, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस के बेसिस पे निकल जाएगा। अब ध्यान से देखिए, हम निकाल रहे हैं, पहले हम 2016 का निकालेंगे, उसके बाद 2017 का निकालेंगे, ठीक है। 16 का निकालने के लिए इस फॉर्मूले को ही हम फॉलो कर रहे हैं। प्रीवियस ईयर है ना हमारा 2016, तो ओनली ऊपर हमारा क्या आएगा, प्रीवियस ईयर अमाउंट। प्रीवियस ईयर अमाउंट हमारी कितनी है, 18,00,000 रुपीज। तो आप लिखोगे 18,00,000 डिवाइड बाय, आप किसके बेसिस पे निकाल रहे हो, सेल्स के बेसिस पे निकाल रहे हो, और आपकी सेल्स कितनी है, 18,00,000 रुपीज है। मैं राउंड कर देती हूँ ताकि आपको ध्यान रहेगा, 18,00,000 रुपीज। तो डिवाइड में भी आप किसको लिखोगे, 18,00,000। क्यों, क्योंकि 2016 की जो सेल्स है वो 18,00,000 रुपीज है, ठीक है। इनटू में 100, तो 18,00,000 से 18,00,000 कैंसिल, तो कितना आ गया आपका, 100% आ गया, क्लियर। अब देखिए, अब ऐसे ही हम 17 का निकाल रहे हैं, डिवाइड में हमेशा सेल्स को लेना है। अब हम 2017 का निकाल रहे हैं, तो 2017 करंट ईयर की अमाउंट हमारी कितनी है, 20,00,000 डिवाइड बाय रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, मतलब सेल्स के बेसिस पे निकाल रहे हैं, और 2017 का निकाल रहे हैं, 17 की हमारी सेल्स भी कितनी है, 20,00,000 रुपीज की, इनटू में 100, 20,00,000 से 20,00,000 कैंसिल, तो आपका क्या आ गया, 100% आ गया, राइट। तो ऐसे हम निकालेंगे सारा। ऐसे ही हम अदर इनकम का निकाल लेंगे, 50,000 डिवाइड बाय 18,00,000, क्योंकि सेल्स को ही बेस मानना है। 50,000 डिवाइड बाय 18,00,000 इनटू में 100, 17 का निकालोगे तो क्या आएगा, 60,000 डिवाइड बाय 20,00,000, क्योंकि 20,00,000 जो है वो सेल्स है, सेल्स को ही बेसिस मानना है। तो ऐसे ही आप इनको कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, अब हम एक्सपेंसेस, एक बार मैं एक्सपेंसेस का भी कैलकुलेट करके आपको दिखा देती हूँ। एक्सपेंसेस का भी आप कैसे कैलकुलेट करोगे, 2016 की हम बात कर रहे हैं गाइस, ध्यान से देखिए, 2016 की बात कर रहे हैं। तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जो ये हमारा फॉर्मूला है,
इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ही हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है एक्सपेंसेस को भी। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, प्रीवियस ईयर ले रहे हैं ना हम 16 का, तो 10 लाख डिवाइड में किसको लोगे आप, सेल्स को लोगे, क्योंकि 2016 की आपकी सेल्स कितनी है 18 लाख, इनटू में 100, ये ऐसे निकल जाएगा। ठीक है, और 17 हमारा क्या है, करंट ईयर है, इसी फॉर्मूले को फॉलो करेंगे। करंट ईयर की अमाउंट हमारी कितनी है एक्सपेंस की, परचेज ऑफ स्टॉक एंड ट्रेड की 12 लाख, डिवाइड बाय सेल्स, क्योंकि 2017 की जो सेल्स है वो कितने की है 20 लाख की, इनटू में 100। तो देखिए गाइस, हमारा कितना आ गया, ये 55.55%, और इसका 17 का कितना आया है 60%, राइट। ऐसे ही हमारा जो नेक्स्ट एक्सपेंस है, चेंज इन इन्वेंट्री ऑफ फिनिश्ड गुड वर्क इन प्रोग्रेस एंड स्टॉक एंड ट्रेड का, ठीक है, वो हमारा कितना आ गया 11.11%, कैसे आया 2016 का, ठीक है, तो 2 लाख डिवाइड बाय, क्योंकि बेस में हमेशा डिवाइड में हमेशा सेल्स को ही रखना है, सब में आप किसी को भी कैलकुलेट करेंगे डिवाइड में हमेशा सेल्स को रखेंगे। ठीक है, तो कैसे निकालोगे आप, 2 लाख डिवाइड बाय सेल्स 18 लाख, इनटू में 100, आपका आ गया 11.11%। ऐसे ही 2017 का जो 15% आया है वो कैसे आया है आपका, 3 लाख डिवाइड बाय 2017 की सेल्स है 20 लाख, इनटू में 100, आपका आ गया 15%। तो ऐसे ही आपने ये सारा निकाल लिया। ठीक है, तो अब ध्यान से देखिए, जो आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स है इसका आपने कैसे निकाला है, 2 लाख का प्रॉफिट है आपका, 2 लाख, और डिवाइड में हमेशा आपको सेल्स को ही रखना है, लेकिन 16 का निकाल रहे हो तो 16 की सेल्स को ही डिवाइड में रखोगे, अगर आप 17 का निकाल रहे हैं तो 17 की सेल्स को आप डिवाइड में रखेंगे। ठीक है, ये देखिए 2 लाख 16 का निकाला है ना हमने, 2 लाख डिवाइड बाय 18 लाख, इंटू में 100, 11.11% आ गया। ऐसे ही हमारा 3 लाख का करेंगे, कैसे करेंगे, 2017 ईयर का 3 लाख डिवाइड बाय 20 लाख, इनटू में 100, आपका आ गया 15%। तो ऐसे ही आपका इसका इनकम टैक्स का भी निकल जाएगा, ऐसे ही आप टोटल का निकाल लेंगे, जो आप ये देखिए, जो टोटल का कॉलम निकाला है वो कैसे निकालोगे, ये 16 का 102.77%, ये इसका टोटल नहीं, यहाँ फॉर्मूले के हिसाब से निकालोगे। ठीक है, क्योंकि टोटलिंग में कई बार आपकी हो सकता है ये कैलकुलेशन गलत की, अगर ये कैलकुलेशन आपके सही हो और ये आपसे मैच नहीं कर रही हो तो इसका मतलब आपकी गलती वहां पे पकड़ी जा सकती है। ठीक है, आप अपनी मिस्टेक को फाइंड आउट कर सकते हैं वहां पे। तो आप कैसे निकालोगे, 18,50,000 डिवाइड बाय 18 लाख, इंटू में 100, तब आपका आया ये। ठीक है, 103% कैसे आया है 17 का, ध्यान से देखिए, 20,60,000 डिवाइड बाय 20 लाख, इंटू में 100, तो आपका 103% आ गया। ठीक है, ऐसे ही आपका एक्सपेंसेस का टोटल का आया है, और ऐसे ही आपने नेट प्रॉफिट का निकाल दिया, 1,40,000 डिवाइड बाय जो आपकी 2016 की सेल्स है। ठीक है, इसको आपने डिवाइड में कर दिया, इंटू में 100। ऐसे ही 17 का जब आपने निकाला नेट प्रॉफिट का परसेंटेज सेल्स के बेसिस पे, तो 2,10,000 डिवाइड बाय 2017 की सेल्स हमारी कितनी है 20 लाख, इंटू में 100, आपका आ गया 10.50%। तो ऐसे आपके गाइस स्टेट कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस हमने कैलकुलेट की, होपफुली आपको समझ में आया होगा, और कोई भी आपको डाउट है तो आप ग्रुप में डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।